हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी मौसमी गायन, लेजी ब्लॉगर मौसमी चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। ओके फ्रेंड्स, तो ये वाला वीडियो मैं कल ही छोड़ना चाहती थी, लेकिन मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं छोड़ पाई एंड आज मैं छोड़ रही हूँ। एंड या सो हैप्पी रक्षाबंधन टू बी रिलेटेड। एंड ये मेरा आज का जो व्लॉग है, ये रक्षाबंधन स्पेशल व्लॉग है। बहुत दिन बाद मैं इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ एंड रक्षाबंधन स्पेशल ही है ये। तो राखी का दिन मैंने क्या क्या किया, ये सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अभी मैं जो मिठाई है वो ठीक से सजा रही हूँ प्लेट में, ये मेरे भैया के लिए है। सुबह उठ के मैंने यही किया। या सो राखी के दिन मैं क्या क्या कर रही हूँ या फिर क्या क्या किया, सब कुछ आपको पता चलेगा। एंड सॉरी इतना लेट वीडियो अपलोड करने के लिए, तबीयत सच में बहुत ख़राब है। एंड यहाँ पे मैं भैया का प्लेट जो है वो सजा लिया, लेकिन यहाँ पे और एक जन का प्लेट सजाया जा रहा है, वो है आकाश का। नहीं, मैं आकाश का राखी नहीं पहनाऊँगी, मेरी भाभी जो है वो आकाश का राखी पहनाएगी। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लव स्टोरी नहीं, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है उन लोगों का, तो मैं वो बयान नहीं कर पाऊँगी ऐसे बोल के। हर साल राखी पहनाती है मेरी भाभी आकाश को, भैया ही मानता है वो आकाश को, मेरी भाभी से आकाश बड़ा भी है बहुत। और हाँ, तो यहाँ पे मैंने एक राखी सजाई और बाद में आकाश के लिए भी भाभी राखी लेके आएगी। उसको एक्चुअली मिठाई ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए उसके लिए दही लेके आया है। उसको मिठाई खाना एकदम ही पसंद नहीं है, तो भाभी स्पेशली उसके लिए दही लेके आया है। अभी से आपको पता चलेगा कि ये कितना शरारती है। अभी से इसका स्टार्ट हुआ है, बस स्टार्ट हुआ है डिस्टर्ब करना एंड बदमाशियाँ करना। अभी देखना, आगे अगर व्लॉग देखोगे तो फिर और भी समझ आएगा कि इसको हम लोग कितना झेलते हैं। इतना शरारती है ना ये, मतलब राखी स्टार्ट नहीं हुआ, पहले से ही उसका मुंह चलना स्टार्ट हो गया, मीठा खाना मिठाई। स्टार्टिंग में मैंने जो वीडियो शूट कर रही थी ना, मैंने तो वो मिठाई उल्टा कर दिया, क्योंकि मैं जब आई कैमरा लेके जब आई, तब देखा कि मिठाई की ऊपर की हिस्सा गायब है, तो इसलिए वीडियो के लिए मैंने वो मिठाई जो है वो उल्टा करके रखा, ताकि वो समझ में ना आए। मतलब तभी से उसका स्टार्ट है मिठाई खाना। देखो ना कितना डिस्टर्ब कर रहा है अपनी मम्मी को, मतलब भाभी ने आकाश को वैसा कर रहा है ना, जो जो माथे का टीका वगैरह वगैरह जो जो करता है वो, उसको भी करना है। वो बार बार बोल रहा है कि मेरे को भी करो। और मैं यहाँ पे परेशान हो रही थी, क्योंकि इतना गर्मी है ना, पंखा ऑफ है, तो गर्मी में मैं पागल होती जा रही थी, इसलिए मैं ऐसे ही हिल डुल रही थी। ओके सो अभी मैं अपने भैया को राखी पहनाऊँगी। एक्साइटमेंट देखो बंदे का। साथ तेरा हर
एंड रेडी हो चुकी हूँ एंड बहुत ही जल्दबाजी में मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है, इसलिए ज़्यादा बातें ना करके मैं अभी बाहर हो जाऊँगी घर से, क्योंकि मेरे और एक भैया है उनको राखी पहनाना है, तो उनको पहनाने के लिए मुझे अभी जाना पड़ेगा, लेट हो चुका है। सो ज़्यादा बातें ना करके मैं अभी जाती हूँ, तो तब तक आप लोग देखते रहिए। वैसे ये मेरा आज का लुक है। एक्चुअली इतना ज़्यादा गर्मी है, इतना ज़्यादा स्वेटिंग हो रहा है कि मैं कुछ मेकअप ही नहीं कर पाई, सिर्फ बिंदी और काजल लगा लिया और लिपस्टिक पहन लिया। देखिए मेरा बाल का हालत देखिए, मतलब खुला छोड़ूंगी ना बाल तो फिर मैं हाफ डेड हो जाऊँगी। ओके चलो बहुत लेट हो चुका। सो मैं रेडी हो चुकी हूँ, अभी ये मेरा बैग है और इसमें मैंने सब कुछ ले लिया, मेरा हैंड सैनिटाइज़र, फिर हेडफोन, फिर मेरा पर्स है, हैंकी है, ट्राईपॉड है, बहुत कुछ है, और छतरी लेना है मेरे को, और बस। ओके, मैं आ चुकी हूँ और कुछ मतलब एक मिनट का रास्ता है, पैदल जाना है। मेरा फ्रेंड मुझे गली की जो स्टार्टिंग है वहाँ पे छोड़ के चला गया, मैंने एक्चुअली उसको अंदर आने नहीं दिया। हालत देखिए आप लोग, हालत कितना ख़राब है मेरा, पसीना ही पसीना। मतलब मेरे सर पे कैसा आइडिया आ गया कि मैं मेकअप नहीं करूँगी, एंड सच में मैंने बहुत अच्छा काम किया मेकअप नहीं करके, नहीं तो इस धूप में मेरा हालत ख़राब हो जाता। और अभी मैं हूँ, एक्चुअली मेरे हाथ पे ट्राईपॉड नहीं है, मैं फ़ोन ऐसे ही हाथ में लेके वीडियो कर रही हूँ। ट्राईपॉड होता तो और थोड़ा दूर होता फ़ोन, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं। अभी ट्राईपॉड कौन निकालेगा बैग से, देखो मतलब मेरा फोरहेड देख आपको पता चलेगा कि इतना जल्दी कैसे टैन पड़ गया यार। सनस्क्रीन तो पूरा बह गया मेरा स्वेटिंग के साथ, पसीना के साथ सनस्क्रीन। ओके सो मैं आ गई, या मैं आ गई। भैया का बाल हालत देखो गाइस, मेरा पसीना ही पसीना। सब ग्लॉसी, ओह माय गॉड, लगता है कि फेशियल करके आई हूँ। ओके, हम लोग अभी छत पे आ गए हैं फ़ोटोशूट करने, मैं और भाभी आई हूँ, और बहुत धूप है, पता नहीं इस धूप में कैसे करेंगे हम लोग फ़ोटोशूट, फिर भी करेंगे, फ़ोटो लेना ही है। वीडियो अच्छी किंतु फ्रेंड्स, ये हम लोगों का आज का इवनिंग स्नैक्स है। सो
इसी के साथ मैं आज का छोटा मोटा व्लॉग यहीं पे ख़त्म करूँगी। अभी टिफ़िन का टाइम हो चुका है, तो फिर घर पे भाभी ने नूडल्स बनाई, बहुत टेस्टी लग रही है, यम्मी। बहुत दिन बाद नूडल्स खा रही हूँ मैं, और वैसे आज मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ। पूरे दिन धूप में घूमने के बाद किसको अच्छा लगता है यार। वैसे मेरे भाभी बहुत अच्छा खाना पकाती है, एंड भाभी का एक अलग से यूट्यूब चैनल है, आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत अच्छा अच्छा रेसिपी मिलेगा वहाँ पे देखने को। एंड भाभी का जो किचन चैनल का लिंक है तो वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग जाकर सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल बटन है उस पर क्लिक कर देना, एंड प्लीज़ सपोर्ट करना, बहुत अच्छा अच्छा खाना बनाती है। ओके, सो ये टिफिन करते करते मैं अपना ब्लॉग ये भी ख़त्म करती हूँ। मैं बहुत टायर्ड हूँ, ये खाने के बाद मैं सो जाऊँगी, रात को डिनर भी नहीं खाऊँगी मैं। सो यार, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड मैं राखी स्पेशल मेकअप लुक क्रिएट किया एंड वो वीडियो अपलोड किया कल ही, तो आप लोग देख सकते हो। यार सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।